SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने आज ज्वाइंट कमिश्नर संतोष सिंह को ज्ञापन देकर न्याय की उम्मीद जताई है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि बाबतपुर जमालपुर पर 16 किलोमीटर परिधि की ऑटो चलाने हेतु परमिट धारक है, किंतु बस मालिकों के दबंगई से लोग काफी परेशान हैं। बस मालिक आए दिन ऑटो रिक्शा चालकों को रोककर उनके सवारी उतारकर अपने बस में बैठा लेते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं, जिससे ऑटो चालक काफी भयभीत हैं। इस संदर्भ में ऑटो चालक यूनियन ने संबंधित चौकी और थाने को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिंह और मैं बनारस ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ये मामला है बाबतपुर का, जो बाबतपुर में जो हमारी बाबतपुर से जमालपुर रोड पे गाड़ियां ऑटो रिक्शा चलती हैं, उन ड्राइवरों को रोका जाता है एवं मारपीट, बस मालिक उनके संग मारपीट करते हैं और अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। विगत अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी है, एक ऑटो ड्राइवर ऑटो लेके जाता है, उस औरत एक आदमी और एक औरत मरीज रहती है, उस मरीज को उतार लिया जाता है और वो औरत उसी बस में उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारा ऑटो चालक रात दिन 24 घंटा किसी मरीज को या किसी बच्चे को या कुछ भी होता है तो हमारा ऑटो चालक उनको घर से उठा करके उनके गंतव्य तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी ऑटो चालक करती है। अभी आप लोग को पता होगा, बहुत दिनों से देखा जाता है और आज के समय में देखा जा रहा है बाबतपुर क्षेत्र में 16 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए बाबतपुर के अध्यक्ष जय सिंह जी और बाबतपुर के महामंत्री हमारे अख्तर अली जी ये मांग कर रहे हैं कि बाबतपुर क्षेत्र में हमारी गाड़ी चले। अगर इनके संग इसी तरह उत्पीड़न होता रहेगा और अत्याचार होता रहेगा तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये बाबतपुर छोड़ करके सिटी में आएंगे प्लान करने, और जब सिटी महानगर क्षेत्र में प्लान करने आएंगे और अपनी रोजी रोटी का साधन ढूंढेंगे तो इनको 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? ड्राइवरों और ऑटो चालकों का इतना बुरा शोषण हो रहा है। पहले तो उनको महानगर से भगाने का चालान किया जा रहा है, फिर वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ से वो भगाने का ड्राइवर जाए तो कहाँ जाए, या अपनी गाड़ी छोड़ दे, या अपनी गाड़ी का बीमा, उसके गाड़ी का किस्त नहीं भरा पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं सुचारू रूप से बाबतपुर क्षेत्र का परमिट है बाबतपुर में चल लूँ, मगर बाबतपुर क्षेत्र में भी कुछ लोग हैं जो ड्राइवरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनके संग अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने, इसके पहले शिकायत ये लोगों ने वहाँ के चौकी पे किया था, चौकी के बाद थाने पे किया गया था, थाने के बाद सारे लोग करने के बाद आज हम लोग आए थे यहाँ अधिकारी साहब से मिलने, और मिलने के बाद उन्होंने ये जाँच लिखा है और अभी हम लोग फिर जाएंगे वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मिलने पिंडरा में, और मिल के हम लोग फिर अपनी मांगों को वहाँ पर रखा जाएगा कि हम लोगों के ड्राइवरों को सुचारू रूप से चलने के लिए ये किया जाए। आज किसको आपने क्या आपकी मांग पूरी नहीं होती तो यूनियन की तरफ से अगला कदम क्या? जी, अगर हम लोगों की ये मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो यूनियन आंदोलन करने पे बाधित होगा, भूख हड़ताल पे बैठेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और हड़ताल करेगा।